इसके बारे में बात कर रहे हैं अभिलेख के बारे में। तो ये देखिए अभिलेख क्या था। देखो अशोक महान मौर्य सम्राट या प्रथम मौर्य सम्राट था जिसने अभिलेखों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अभिलेखों का प्रयोग किया। और इन अभिलेखों का जो इनको जो प्रेरणा मिली थी वो किन से मिली थी? देखो एक राजा है ईरानी राजा का नाम है दारा। क्या नाम है? दारा। और इसका दूसरा नाम देखो एक और आता है इस दारा का, या ईरानी जो राजा है जो उसका नाम दूसरा एक और आता है डेरियस प्रथम। क्या आता है? डेरियस प्रथम। इससे इसको क्या मिली थी? इसकी प्रेरणा मिली थी। क्या मिली थी? इसकी प्रेरणा। किसकी? अभिलेखों की। अभिलेख क्या होता है? किसी भी स्तंभ पर कोई अगर लेख लिखा हो, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख। अब इनसे इसको इसकी क्या मिली? प्रेरणा मिली। किनको? अशोक को। किसको मिली? अशोक को। इसके बाद में दो बातें याद रखना, अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों का प्रयोग किया। दूसरी बात, इसकी प्रेरणा इसे किसे मिली? प्रेरणा किससे मिली? प्रेरणा ईरानी राजा दारा से। और उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है उसमें? डेरियस प्रथम। क्या होता है? डेरियस प्रथम। इसके अलावा अगर देखें तो अशोक की जो अधिकांश जो स्तंभ लेख हैं वो अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन कुछ जो इनके जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में पाए गए। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि। जैसे शाहबाजगढ़ी से जो प्राप्त जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में पाए गए। शाहबाजगढ़ी से जो अभिलेख प्राप्त हुए वो कहां से, कौन सी लिपि में मिले? खरोष्ठी लिपि में। अब इसके अलावा कुछ जो अभिलेख हैं जो टोपरा से दिल्ली लाए हुए, टोपरा से दिल्ली लाए हुए जो 7 जो अभिलेख हैं वो भी यहां से प्राप्त हुए। कहां से आए? टोपरा से। ये 7 जो अभिलेख हैं वो हमें मिले हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा, जिसमें से दूसरा और तीसरा जो अभिलेख है उसमें राजा एंटियोकस सेकंड का, किसका? राजा दूसरे और तीसरे में एंटियोकस जो द्वितीय है उसका जिक्र मिलता है। किस किस में? टोपरा से दिल्ली लाए हुए में, टोपरा से दिल्ली लाए हुए अभिलेखों में इन दोनों, इसका राजा एंटियोकस सेकंड का हमें क्या प्राप्त होता है? इसका जिक्र इसमें मिलता है। इसके अलावा इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता थी वो किसे मिली? आप ये भी याद रखना, जेम्स प्रिंसेप को। किनको मिली? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप यानी अशोक के जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले जो पढ़ने की जो सफलता प्राप्त हुई वो किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। ये थे अभिलेख। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद में जो राजा तिस की बात हमने की थी कि जो अशोक को देवानाम पीएम जो उपाधि थी वो किसने दी? जो श्रीलंका का जो राजा अशोक था उसने, श्रीलंका का जो राजा तिस था उसने इसे ये उपाधि दी, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लें तो इसने क्या किया, राजा जो तिस था श्रीलंका का उसने अपने द्वितीय, कौन सा उनका सेकंड राज्याभिषेक हुआ और उस सेकंड राज्याभिषेक में उसने क्या किया, अशोक को अपने यहां बुलाया। क्या किया? अशोक को अपने यहां बुलाया, जिसमें अशोक स्वयं तो जा नहीं सका लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र, और महेंद्र को उसने भेजा। महेंद्र ने क्या किया? महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका पहुंचा। कहां पहुंच गया? श्रीलंका। और उसी समय से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ माना जाता है। यह हो गया सम्राट अशोक। अब उसके बारे में, उसके बाद में बात करेंगे सम्राट अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उनके, या हम ये कह सकते हैं मौर्य प्रशासन का पतन, ठीक है। तो उनके उत्तराधिकारी वह ये पतन, अब इसमें पतन में क्या हुआ? देखो अशोक के बाद में, सम्राट अशोक के बाद में उनके जो आने वाले जो शासक हैं उनके जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें, उन्होंने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक किया? 50 वर्ष तक शासन किया। लेकिन वो अधिक सफल नहीं हो पाए क्योंकि दूरदर्शी थे। उनके बाद में ये माना जाता है कि वो जो शासक थे वो कमजोर थे, दूरदर्शी थे, कुशल थे। इस कारण से 50 वर्ष के दरमियान ही लगभग 185 ईसा पूर्व में उसका क्या हो गया, जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन हो गया। अशोक के बाद में यह माना जाता है कि राजा कुणाल गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अशोक का पुत्र कुणाल गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? कुणाल गद्दी पर बैठा। और इस कुणाल को दिव्यावदान में क्या कहा गया? देखो एक दिव्यावदान,
को इसमें कहा गया है धर्म विवर्धन। क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन। राजा कुणाल को दिव्यावधान में क्या कहा गया? धर्म विवर्धन। क्या कहा गया? धर्म विवर्धन। उस समय देखो एक और है जो तारनाथ है, ठीक है, तारनाथ ने भी इसके बारे में क्या कहा है? देखो तारनाथ ने इसके बारे में कहा है कि उस समय कश्मीर में, कहां पर? कश्मीर में राजा जालोक शासन करता था। कौन करता था? राजा जालोक शासन किया करता था। किसके समय? राजा कुणाल के समय, जो किनका पुत्र था? अशोक का पुत्र था। किनका पुत्र था? अशोक का पुत्र था। उसके पश्चात कुणाल क्या हो गया? अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अंधा होने के बाद में कुणाल के पुत्र संप्रति को इसका, यानी मगध का जो शासन है वो किसको मिल गया? इसका पुत्र था संप्रति। क्या नाम था? संप्रति। संप्रति ने मगध का शासन संभाल लिया। कुछ जो अन्य जो अभिलेख मिलते हैं उनमें कुणाल के अलावा जो उनका दूसरा पुत्र है दशरथ का भी उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? दशरथ का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। किसका पुत्र था ये? कुणाल का पुत्र। पहला पुत्र कौन हो गया? कुणाल का संप्रति। दूसरा पुत्र कौन हो गया? राजा दशरथ। कौन हो गया? राजा दशरथ। और दशरथ ने क्या किया? मगध पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। किस पर किया? मगध पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। और इसी ने क्या किया? नागार्जुनी की जो गुफाएं थी वो आजीविकों को दान में दे दी। किसने? दशरथ ने क्या की? नागार्जुन की जो गुफाएं थी नागार्जुनी की गुफाएं आजीविकों को क्या दे दी? दान में दे दी। किसने? दशरथ ने। किसका पुत्र था? कुणाल का दूसरा पुत्र। कुणाल का दूसरा पुत्र था ये, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं तारनाथ के समय हमने बात कर ली कि उस समय तारनाथ ने अशोक के दूसरे पुत्र के बारे में एक बार उल्लेख किया है। और अशोक का दूसरा एक और जो पुत्र था उसके बारे में देखो तारनाथ के अलावा हम एक चीज और देखें तो इसमें एक है दिव्या, ये जो अपनी राजतरंगिणी कलहण हमने पढ़ा था, कलहण की जो राजतरंगिणी थी इसके अनुसार जालोक पर शासन जो था वो किसका था? देखो जालोक राजा जालोक था, उसने कश्मीर पर शासन किया। तारनाथ के अनुसार नहीं है, कलहण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में, किसमें? कश्मीर में किसका शासन था? जालोक का। तो आप राजतरंगिणी लिख लेना इसमें। ठीक है, इसके अलावा तारानाथ ने क्या किया? अशोक के दूसरे पुत्र का उल्लेख किया है। अशोक के दूसरे पुत्र का उल्लेख किया जिसका नाम था वीरसेन। जिसका नाम क्या था? वीरसेन। और वीरसेन ने क्या किया? गांधार पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। किस पर किया? गांधार पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। ठीक है, किसके अनुसार? तारानाथ के अनुसार। तारानाथ के अनुसार, ये थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का शासक कौन था उस समय? जालोक। किसके समय? कुणाल के समय। और यहां पर तारानाथ के अनुसार गांधार का जो शासन, यानी अशोक का जो दूसरा पुत्र था कौन? वीरसेन। कौन था? वीरसेन। इसने क्या किया? गांधार पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। क्या किया? गांधार पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक। अब अंत में क्या होता है? अंतिम जो मौर्य सम्राट है उसका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम आता है? बृहद्रथ। और बृहद्रथ ने क्या किया? देखो बृहद्रथ, इसका एक ब्राह्मण जो पुष्यमित्र, यानी ब्राह्मण जो मंत्री था, नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने क्या की? 185 ईसा पूर्व में, कब की? 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करके अब इस पर एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे हम कहते हैं शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कर दी। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? पूर्ण रूप से पतन हो गया। एक हमारी जो पीछे छोटी सी चीज रह गई थी, बौद्ध धर्म में यानी अशोक ने त्रिरत्न माने, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें देखो उसके प्रति अशोक ने आस्था प्रकट की है, वो कौन कौन से? बुद्ध धर्म और संघ। किसकी? बुद्ध धर्म और संघ की इसने क्या की? इसके प्रति आस्था प्रकट की है, ये भी आप याद रखें। इसी के साथ अपना जो मौर्य साम्राज्य है वो पूर्ण रूप से हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके प्रशासन के बारे में, जिसमें केंद्रीय प्रशासन भी पढ़ेंगे, प्रांतीय प्रशासन भी पढ़ेंगे, और उनके जो प्रमुख जो अधिकारीगण है, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है,
वो अपना रहेगा कि अशोक को देवानाम पीएम एवं देवानाम पीएदसी, या यू कहें कि अशोक को देवानाम पीएम की उपाधि किस राजा ने दी, किस राजा ने दी, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि ये वीडियो काफी अधिक बड़ा हो गया, तो 2 दिन लगातार इसका आधा आधा करके हम कर लेंगे। तो इसी के साथ हम फिर से जो अशोक के, या यू माने कि मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन के विस्तार से चर्चा करते हुए एक और वीडियो में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।